नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश टावर में। आज हम टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा के जो फीचर्स हैं, प्राइस, माइलेज, परफॉर्मेंस पूरी विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बन रहें और उससे पहले ये वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, ये इनोवा क्रिस्टा है, काफ़ी इसकी लंबी लेंथ है, हाइट है, विड्थ है और इसके जो टायर नंबर जो है 16 नंबर के हैं, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी बढ़ जाता है तो समस्या नहीं आता है। मतलब कैसा भी सिचुएशन अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा चलती है इनोवा क्रिस्टा। इसमें बहुत शानदार वाइपर लगे हुए हैं, वाइपर। इसका हेडलाइट जो है हाइलोजन में मिल जाता है क्योंकि ये सेकंड टॉप है, जो टॉप आता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए जगह दिया हुआ है, आप बाद में जो है इंस्टॉल करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं। ये शानदार इंडिकेटर है। यहाँ पर टोयोटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, लोगो है, काफ़ी स्टाइलिश है इसका लुक्स, देख लीजिए। और इधर आए तो ये साइड मिरर में इंडिकेटर दिया हुआ है। अभी अब और विस्तार से जानेंगे इसके अंदर इंटीरियर के बारे में, थोड़ी एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। ये इसका रियर प्रोफाइल है, काफ़ी शानदार। इसके टेल लैंप लगे हुए हैं, पार्किंग सेंसर दिया हुआ है और कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर बैक कैमरा लगा हुआ है। और ये एंटीना इसे मिल जाता है, यहाँ पर पीछे इसका एंटीना दिया हुआ है। इसका बूट जल इनोवा है तो इसमें जो है 55 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है। ये सेकंड टॉप है, 55 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है। आइए हम इसके थोड़ी बूट स्पेस देख लेते हैं, कितना बड़ा है। ये लुक्स काफ़ी देख सकते हैं आप, ये जो सीट लगे हुए हैं ये वाले बैक वाले, ये पूरा फोल्ड हो जाता है जिससे बूट स्पेस बढ़ जाता है, आप अपना सामान भी आराम से रख सकते हैं। टूल बॉक्स रखने के लिए दिया हुआ है, ये सीट जो है बहुत आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पार्टी हो सकती है। ये बैक एसी दिया हुआ है यहाँ पर। अभी हम आगे चल के और इसके फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ये हैंडल लगे हुए हैं, काफ़ी आकर्षक लुक्स के साथ है, स्टाइलिश है। ग्रैब कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मिरर जो है इसका कांच ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पर लॉकर है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए। स्पीकर मिल जाते हैं, चारों गेटों में जो है स्पीकर इसमें दिया हुआ है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए, काफ़ी स्पेस मिल जाए, ऊपर भी सर टिका के बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इधर स्पेस का है, स्पेस काफ़ी मिल जाता है, थाई सपोर्ट काफ़ी है। लेदर के सीट लगे हुए हैं, पहले जो है लेदर की सीट नहीं लगा था लेकिन इसको मॉडिफाई कराया गया है, लेदर का सीट लगवाया गया है, आप बैठ सकते हैं। मोटर मालिक का थोड़ा, और ये काफ़ी बेटर दिया हुआ है, और ये इसका यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, और यहाँ पर चार्जिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है। और क्या दिया, देख लेते, ये क्या, यहाँ पर USB लगता है, चार्जिंग जो है यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर चार्जिंग सिस्टम है। तो रेड लाइट मिल जाता है ताकि आपके गेट खुला हुआ है तो कोई समस्या ना जा पाए, इसलिए वो दिया हुआ है। ठीक, वैसा इसमें जो है चारों पावर विंडो कंट्रोलर जो है यहीं पर दिए हुए हैं, बॉटल वगैरह रखने के लिए दिया हुआ है इसका सिस्टम। इसमें जो है स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर वैसे चारों गेटें मिल जाता है यहाँ पर। ये इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये यहाँ से ये जो ORVM है इसको फोल्ड करने के लिए दिया हुआ है। ये हैंडल लगा हुआ है। अब ये स्टेयरिंग जो है पावर स्टेयरिंग है, पावर ब्रेक है, इसमें इनोवा है कि इसमें मिल जाता है, बस इसमें LED नहीं मिलता है लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन मिल जाता है, काफ़ी बेटर है। ये इसे हेड लैम्प कंट्रोलर दिया हुआ है, वाइपर कंट्रोलर दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, बहुत बढ़िया शानदार। इसके टच स्क्रीन लगे हुए हैं और साथ साथ AC कंट्रोलर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। ये इसका पूरे मीटर जो है डिजिटल में मिलते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस इसे मिल जाता है। इसका डैशबोर्ड में काफ़ी स्पेस मिल जाता है, काफ़ी स्टाइलिश शानदार दिया हुआ है। वहाँ पर को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों में एयर बैग लगा हुआ है। यहाँ पर भी खोल के तुम्हें दिखाइए घनश्याम जी, ये काफी स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। ये कूलिंग सिस्टम भी रहता है, थोड़ी बताओ घनश्याम जी, ठंड पानी इसमें रखने का सुविधा रहता है, ठंड पानी रखने का सुविधा रहता है इसमें। और मैं इसको खोल के देखिए, ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइसेंस RC कार्ड, अपने इम्पोर्टेंट सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। ये इसके लाइट का दिया हुआ है कंट्रोलर, यहाँ पर मिल जाता है। ये सनराइज मिल जाता है, वहाँ पर भी दिया हुआ है सनराइज, ये सनराइज मिल जाता है, ये वाला मीटर मिल जाए ताकि आप पीछे आसानी से देख सकें। ये इसको थोड़ी खोल के दिखाइए घनश्याम जी, ये काफी स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, हाथ मतलब टिका के बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, 5 गियर की गाड़ी है और इनोवा क्रिस्टा का शानदार इसका इंजन है, काफी पावरफुल गाड़ी है, काफी हाई स्पीड, अपनी स्पीड के लिए इनोवा जो है जानी जाती है। पावरफुल इंजन है, 2400 CC का इंजन है जो काफी पावर और टॉर्क जनरेट करता है जिससे आसानी से चल जा।
भाई गाड़ी ड्राइवर लेंगे आपको बताऊं। हाँ ये गाड़ी का ड्राइवर है, नाम बताइए अपना। प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी, आप हमको बताएं कि गाड़ी की इस स्पीड कितना है इसका? 200 200 टॉप स्पीड है। आप 200 स्पीड पे चला लेते हैं? नहीं, कभी गए हो? 170 तक चला लेते हैं। अच्छा, और गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ी बताओ कि इसका जो फीचर्स हैं बराबर काम कर रहे हैं? फीचर पूरा बराबर काम करते हैं और आप देख सकते हैं काफी बढ़िया आवाज़ है। और इसके बारे में कुछ बताना चाहते हूँ जो हमारे दर्शकों को, बताइए इनोवा के बारे में माइलेज। 10.75 है इसका लास्ट। अच्छा, माइलेज कितना है? 10.75। अच्छा, अब हमें आप पावर स्टैंड के बारे में थोड़ी बताइए। पावर स्टीयरिंग है? हाँ, पावर स्टीयरिंग है तो बढ़िया काम कर, सब अच्छा काम करता है बढ़िया। जो भी फीचर्स हैं है ना, सब फीचर ठीक है। लग्जरी एक नंबर की है। लग्जरी एक नंबर कह सकते हैं? नहीं लगता है, जार जार नहीं लगता है एक भी। अच्छा, बहुत बढ़िया कहना है ना। कितना रेटिंग देना चाहेंगे, 5 में से कितने नंबर देंगे ये टोयोटा की इनोवा को? आप ड्राइवर हैं, चलाते हैं तो 5 में से 5 में देंगे नंबर? 5 में से 5। हाँ, अभी हम आपको जबलपुर से हमारे स्पेशलिस्ट ड्राइवर 10 साल के एक्सपीरियंस, इनसे हम बात करते हैं, ये थोड़ा जानकारी हमको देंगे इनोवा के बारे में। भाई आपको इनोवा के बारे में थोड़ी बताइए। मेरा नाम अजय है। हाँ, मैं शहडोल से आता हूँ। आज मेरे को 3 साल हो गया इनोवा चलाते। इनोवा मतलब टॉप मॉडल है। सबसे पहले तो ये हमारे भोलेनाथ गांजा वाले बाबा बैठे हुए हैं, उधर दिखाओ और रिएक्शन भी ले लो उनका। सब कोई मतलब गाड़ी एक से एक चलाते हैं। हाँ, ना एक से एक ड्राइवर है। जी जी, कोई चारों चक्का ऊपर कहता है, हम कहते हैं सुपर है। अच्छा, है ना। हाँ, और ये वो है कौन है? हम कहते हैं रिएक्शन ले लेकर। ये सब ड्राइवर भाई हैं, इनको सब दिखाओ। ये ड्राइवर भी वीडियो बनाए। हाँ, ये ड्राइवर है। हाँ, ये चलाते हैं। हाँ, ये इस कार में चलाते हैं। ये बिलोरो चलाते हैं। बिलोरो ये आर्टिका चलाते हैं। सराहा गाड़ी चलाते हैं। हाँ, उनका थोड़ी वो अब वो है वो छोटो कहाँ छोटी छोटी। तो दोस्तों, हाँ, इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा वीडियो में बात कर लिया है। अजय भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि अपने एक्सपीरियंस बताया जो गाड़ी चलाते हैं तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के बारे में प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।